शिवांगी वाजपेयी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। लखनऊ से खबर आपको बता दें, आलमबाग रेल कोच कारखाने में काम शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आप तक लखनऊ से पहुंचा रहे हैं। कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाने का यहां पर काम शुरू किया जा चुका है। आलमबाग रेल कोच कारखाने में काम शुरू, यहां कुल 10 रेल कोच तैयार किए जाएंगे। एक एक केबिन नर्स डॉक्टर के लिए भी यहां पर देखिए होगा। आइसोलेशन वार्ड में हर सुविधा भी दी जाएगी लोगों को। और इसी के साथ आपको बता दें कि आलमबाग रेल कोच कारखाने में अब काम जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी देखें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अब कोच को आइसोलेशन वार्ड बनाने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुल 10 रेल कोच तैयार किए जा रहे हैं और इसी के साथ एक एक केबिन नर्स और डॉक्टर के लिए भी यहाँ पर होगा। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाएगी लोगों की यहाँ पर सुविधा के लिए। और इससे पहले देखिए दिल्ली की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा था, जहां पर अब रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। अगर समस्या गंभीर होती है तो हम इन रेल कोच के डिब्बों का भी देखिए सहारा ले सकते हैं। एक एक केबिन नर्स डॉक्टर के लिए भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। जगाधरी वर्कशॉप द्वारा एक LHB के स्लीपर कोच को टॉयलेट्स को बाथरूम में कन्वर्ट किया गया। हमारे सहयोगी संजय सिंह चौहान जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय देखिए, अब आलमबाग की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। रेल कोच के अंदर देखिए यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड तैयार, क्या कुछ जानकारी, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं शिवानी बताऊं आपको कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और विश्व पूरा खतरे में है, उसकी आने वाले स्टेट को देखते हुए यूपी में तैयारी की जा रही है। और आलमबाग में जो वर्क शॉप है रेलवे का, वहां पर आइसोलेशन वार्ड ट्रेन में बनाए जा रहे हैं। बाकायदा उसकी शुरुआत कर दी गई है, पूरा लगभग तैयारियां कंप्लीट कर दी गई है और कल से उसको शुरू भी किया जा सकता है ऑफिशियल तौर पर, जो सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि तैयारियां पूरी कर दी गई है कि इमरजेंसी स्थितियों में अगर रेलवे के अस्पताल जाते हैं, फुल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको ट्रेनों के जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं वहां पे शिफ्ट किया जाएगा और प्रॉपर उनको वहां पर इलाज दिया जाएगा। शिवांगी, बिल्कुल संजय, देखिए एक बेहद अच्छी पहल ये आलमबाग रेलवे कोच की तरफ से जो हो रही है। इसमें ये बताइए संजय, यहाँ पर केबिन भी बनाए जाएंगे डॉक्टर और नर्सेस के लिए, यहाँ पर कितने डॉक्टर कितनी नर्सेस यहाँ पर तैनात रहेंगे हर वक्त? प्रॉपर जिस तरीके से 133 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में उस पर जितनी जरूरतें डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की होगी उसको तैनात किया जाएगा। और क्योंकि रेलवे के पास अपने खुद के हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनके पास अपना मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की भी भारी संख्या में तैनाती है, तो जितनी जरूरत होगी उनको उस पर तैनात किया जाएगा। शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो ऐसे आइसोलेशन वार्ड की हर सुविधा आपको बता दें कि रेल डिब्बों के अंदर आपको मिलेगी। यहाँ पर हर एक स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। लखनऊ में देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब कोच को आइसोलेशन वार्ड में बनाने का काम तेजी से शुरू होता हुआ। यहाँ पर डॉक्टर नर्सेस के लिए भी एक एक केबिन बनाया जा रहा है। यहाँ पर कुल 10 रेल कोच अब तैयार किए जा रहे हैं आइसोलेशन वार्ड के लिए और नर्स डॉक्टर यहाँ पर हर वक्त रहेंगे। कोई भी अगर यहाँ पर असुविधा होगी लोगों को तो उसको भी यहाँ पर दूर किया जाएगा। यहां पर हर तरह की सुविधा दी जाएगी अगर कोई यहां पर पहुंचता है मरीज। ये तस्वीरें बदलाव की हैं, बंद की मार झेल रहे देश को एक बार फिर से रफ्तार देने की है। वायरस के खिलाफ छेड़ी गई जंग के बाद, रद्द और बंद के बाद रेलवे पुलिस की नई पहल और नई मुहिम की है। ये दिल्ली रेलवे की तस्वीरें हैं, जिसने रेल के डिब्बों में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर कोरोना के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं। रेलवे पुलिस की वायरस के खिलाफ जंग की ये भी तस्वीर है, जो स्टेशनों पर गरीब और लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को खाना मुहैया करा रही है। दिल्ली रेलवे पुलिस की मुहिम नई दिल्ली के अलावा हजरत निजामुद्दीन, शकूर बस्ती, आनंद विहार समेत कई स्टेशनों पर जारी है। रेलवे की मुहिम लगातार जारी रहेगी, जैसे भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं कि हमें सबको मदद करनी है इस कठिन टाइम में, तो इस तरह से जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, आशा है कि जल्दी खत्म हो, कोरोना से हम जल्दी निजात पाए, हम ये सब मुहिम चलाते रहे। हमारे लाइसेंसधारी जो कुली है और जो ठेकेदार के अधीन कार्यरत लाइसेंसी वेंडर है, जिसकी मेडिकल रेलवे से होती है, उनको ठेकेदार 8% कमीशन देता है, उनको भी रेलवे भारत सरकार उनको भी 1,000 रुपया महीना और आटा चावल दाल उनके परिवार के परवरिश के लिए दे। लॉकडाउन और पील के बाद इस तरह की मदद के लिए बढ़ते हाथ देश से कोरोना को धोने के लिए जरूर कारगर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
वहीं दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, आनंद विहार पर एनडीआरएफ ने अब देखिए मोर्चा संभाल रखा है।